वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि हरियाणा कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। वेब पोर्टल को हरियाणा सरकार की हरी झंडी मिल चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, सोशल मीडिया को लेकर नई पॉलिसी बनाई गई है। हरियाणा सरकार ने सोशल मीडिया के लिए नई गाइडलाइंस भी तय कर दी है। आपको बता दें कि हरियाणा में कई जगहों पर उपायुक्तों ने सोशल मीडिया न्यूज को बैन कर दिया था, लेकिन अब हरी झंडी मिल जाने से सोशल मीडिया के पत्रकारों को एक्रीडेशन मिल सकेगा, साथ ही पत्रकारों को विज्ञापन की सुविधा भी मिल सकेगी। एक बार फिर से आपको बता दें कि हरियाणा कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। वेब पोर्टल को हरियाणा सरकार ने हरी झंडी दे दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, सोशल मीडिया को लेकर कई नई पॉलिसीज भी बनी है। हरियाणा सरकार ने इसके लिए नई गाइडलाइंस भी तय कर दी है। आपको बता दें कि कई जगहों पर उपायुक्तों ने सोशल मीडिया को बैन कर दिया था, लेकिन अब सोशल मीडिया को हरी झंडी मिल जाने से पत्रकारों को एक्रीडेशन मिल सकेगा, साथ ही सोशल मीडिया के पत्रकारों को विज्ञापन की सुविधा भी हरियाणा में मिल सकेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि हरियाणा कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। वेब पोर्टल को हरियाणा सरकार की हरी झंडी मिल चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, सोशल मीडिया को लेकर नई पॉलिसी बनाई गई है। हरियाणा सरकार ने सोशल मीडिया के लिए नई गाइडलाइंस भी तय कर दी है। आपको बता दें कि हरियाणा में कई जगहों पर उपायुक्तों ने सोशल मीडिया न्यूज को बैन कर दिया था, लेकिन अब हरी झंडी मिल जाने से सोशल मीडिया के पत्रकारों को एक्रीडेशन मिल सकेगा, साथ ही पत्रकारों को विज्ञापन की सुविधा भी मिल सकेगी। एक बार फिर से आपको बता दें कि हरियाणा कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। वेब पोर्टल को हरियाणा सरकार ने हरी झंडी दे दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, सोशल मीडिया को लेकर कई नई पॉलिसीज भी बनी है। हरियाणा सरकार ने इसके लिए नई गाइडलाइंस भी तय कर दी है। आपको बता दें कि कई जगहों पर उपायुक्तों ने सोशल मीडिया को बैन कर दिया था, लेकिन अब सोशल मीडिया को हरी झंडी मिल जाने से पत्रकारों को एक्रीडेशन मिल सकेगा, साथ ही सोशल मीडिया के पत्रकारों को विज्ञापन की सुविधा भी हरियाणा में मिल सकेगी।